सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्रपाठ अथ द्वितीय पाद तृतीयोध्याय संध्य सृष्टिराह ही निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च माया मात्रं तु कार्त्स्येन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः पराभिध्यानात्तु त्रोहितं ततो हि यस्य बन्ध विपर्ययौ देहयोगाद्वा सोपि तदभावो नाडिषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः मुग्धेर्ध संपत्तिः परिशेषात् न स्थानतोपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि न भेदादिति चेतन प्रत्येकम् अतद्वचनात् अपि चैवमेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्च वैयर्थ्यात् आह च तन्मात्रं तर्षयति चाथो अपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवद अग्रहणात्तु न तथात्वं वृद्धि ह्रास भाक्तत्वमन्तर्भावात् उभय सामंजस्याद् एवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तद् अव्यक्तम् आह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभय व्यपदेशात्व ही कुंडलवत् प्रकाशाश्रयवत्वा तेजस्त्वात् पूर्ववत्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतून मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थान विशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्य प्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वम् आयाम शब्दादिभ्यः फलमतः उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमिनीरता एव पूर्वं तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात् ओम इति द्वितीयः पादः। ओ तो आइए अब भाष्य में चलते हैं। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं हम, और प्रकरण ये चल रहा था कि उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। परमात्मा का स्वरूप यहाँ पर मूर्त अमूर्त दो प्रकार का बताया, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या साधन है तो बताया कि शुद्ध उपासना कर्म से उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो ये इन्होंने बताया था 24 नंबर सूत्र में, अपि संराधने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। अब कह रहे हैं उसकी आराधना करते हुए जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो मुक्ति में वो कैसे रहता है, वो ईश्वर ही बन जाता है या उसका अलग अस्तित्व बना रहता है, ईश्वर के आनंद में रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ईश्वर से सर्वथा भेद भी नहीं रहता है उसका, और अभेद भी नहीं रहता है, माने ईश्वर के समस्त ऐश्वर्य का वो भोग कर सकता है मोक्ष में, और विकर्ण भाव को भी प्राप्त हो जाता है। बिना आंखों के वो देख सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना जिह्वा के चख सकता है, वो कैसा हो जाता है, विकर्ण धर्मा हो जाता है। और ईश्वर के साथ उसका भेद और अभेद, बोल जी दोनों कैसे होते हैं, या तो भेद हो सकता है ईश्वर के साथ या तो अभेद हो सकता है। तो बोले ये कहने के लिए है भेद अभेद, वास्तव में उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, अहि कुंडलवत्। तो कुंडल जो है वो अही से भेद भी है और अभेद भी है, तो बस ऐसा ही रहता है उसका। तो कहने के लिए भेद भी है और वैसे अभेद भी है परमात्मा से,
क्योंकि उसका बिल्कुल जैसे हम संसारियों का अलग अलग अस्तित्व है इस समय परमात्मा से, परमात्मा में रहते हुए भी उसके साथ हमारा संबंध उस तरह का नहीं है, तो ऐसा भेद नहीं होता है मोक्ष में। ऐसा ही भेद होता है जैसे अहि कुंडलवत। तो इसको स्वीकार करके और इस मत का सभी मत मतांतरों की तरफ से आदर करने के बाद पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न उठाया कि हमें ऐसे लगता है कि जिस ब्रह्म को प्राप्त करने की बात मोक्ष में कही है, हमें लगता है उससे परे भी मोक्ष कुछ है, वे ब्रह्म का कोई रूप उससे भी परे है, कुछ तो है इससे परे। किंचित अस्ति इति आशंका भवति, ब्रह्मणः परम किंचित अस्ति इति आशंका भवति, इस ब्रह्म से भी परे कुछ तो है। तो आपको कैसे पता लगा कुछ तो है? तो बोले शब्द प्रमाण में उसको सेतु कहा है, तो सेतु के पार तो कुछ होना ही चाहिए। उन्मान, उसके चार पाद बताए हैं, फिर एक पाद में ये सारे भूत बताए, फिर तीन पाद द्योलोक में अमर बताई, तो इससे पता लगता है। संबंध, तो संबंध का इन्होंने उदाहरण क्या दिया था? हाँ, परम ज्योति को प्राप्त करके तब वो अपने स्वरूप से संपन्न होता है, तो इससे भी पता लगा कि जब वो जिस ब्रह्म को प्राप्त किया है उससे भी आगे कुछ होना चाहिए। जैसे कोई एक नगर को प्राप्त कर लेता है तो उससे आगे भी तो नगरों को प्राप्त करने की संभावना है ना। और भेद है, हाँ, तो भेद के भी इसमें प्रमाण मिलते हैं। यह एशो अंतरक्षिणी पुरुष दृश्यते, एशो अंतर आदित्य हिरणमय पुरुष दृश्यते। तो इन सब से पता लगता है कि जिस ब्रह्म की आप चर्चा कर रहे हैं मोक्ष में, उससे भी परे कुछ तो है। तो एक एक करके अब इसका परिहार कर रहे हैं। तो जो इन्होंने सेतु की बात कही तो उसका परिहार कहा सामान्यातु, सामान्य रूप से सेतु कहा है। सेतु का मतलब ये कोई लकड़ मिट्टी वाला सेतु या सीमेंट वाला सेतु है, ऐसा सेतु नहीं है ईश्वर। तो वहां सेतु किस रूप में लिया है? दो लोकों को जोड़ने वाला, क्योंकि सेतु दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, या इस पार और उस पार जो गांव बस्ती आदि है उसको जोड़ने का काम करता है सेतु। तो परमात्मा क्या करता है? लोकानाम असंभेदाय, लोकों में कहीं संभेद पैदा ना हो जाए, वो अलग अलग होकर के नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए। जब तक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से इस ब्रह्मांड में, तब तक ही उनका अस्तित्व है। मानो वो एक दूसरे के प्रति जो गुरुत्व आकर्षण है उससे बाहर निकल जाए कोई, तो फिर वो लोक लोकांतर अपना अस्तित्व ही खो देगा। कोई पत्ता ये कहे कि मैं तो वृक्ष के साथ जुड़ा नहीं रहूंगा, मेरी अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता होनी चाहिए, तो यदि वो वृक्ष से अलग हो गया तो वो अपनी सत्ता ही खो बैठेगा, नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, एक दो दिन के बाद पीला हो जाएगा, फिर उसका चूर्ण बन जाएगा या तो गल जाएगा। तो उसका अस्तित्व किस में है? जब तक वो वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक ये सारे लोक लोकांतर ब्रह्म से जुड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हैं, तब तक ही इनका अस्तित्व है। तो परमात्मा इस रूप में सेतु है कि इन लोकों का संभेद ना हो जाए। दूसरा, जो आपने उन्मान के बारे में कहा था, उसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी का, बुद्ध्यर्थम पादवत। बोले जो चार पाद या एक पाद ये जो वर्णन किया है, ये किसके लिए है? बुद्ध्यर्थम, बुद्ध्यर्थम मतलब जानने के लिए, सुलभता से जान जाएं आप, आसानी से जान जाएं, इसलिए वहां पर पाद का वर्णन किया है। क्योंकि वैसे तो उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, और हम मनुष्यों का जो माइंड है, मन है, वो किसी आकार को ही ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए उस ब्रह्म का भी हमने एक आकार बनाया, उसके चार पाद बनाई, तो वो समझाने के लिए है केवल, बुद्ध्यर्थम, हमारी बुद्धि का प्रवेश हो जाए उस ब्रह्म में, समझ जाएं हम, इसलिए। तो कह रहे हैं उन्मान व्यपदेश पादवत अस्ति बुद्ध्यर्थ, बुद्ध्यर्थ को खोला, बुद्धि प्रवेशार्थ, बुद्धि के प्रवेश के लिए है। बुद्धि के प्रवेश माने सम्यक ज्ञानार्थ, सम्यक ज्ञान के लिए। सम्यक ज्ञान मतलब सुकर ज्ञानार्थ ब्रह्मण, ब्रह्म का
आसानी से हमें ज्ञान हो जाए, अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए, इसके लिए वहां पर ब्रह्म के चार पाद कल्पित किए गए हैं। मतलब वो ऐसे किसी कमरे के जो चार स्तंभ हैं उनकी तरह से ऐसे कोई चार स्तंभ हो, ऐसा नहीं है। पादवत व्यपदेशो ज्ञान विभागार्थ, तो पाद का व्यपदेश नहीं है, पादवत व्यपदेश है। पाद की तरह से ज्ञान विभागार्थम, उसके ज्ञान का विभाग करने के लिए, जब भाई कोई एक चीज कठिन होती है तो फिर उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं। मानो हमें एक साल में इतनी पुस्तकें पढ़नी हैं, हमारा सिलेबस ये है, तो फिर उसके हम दो टुकड़े कर लेते हैं कि भाई 6 महीने तक इतना सिलेबस पढ़ेंगे, अगले 6 महीने में इतना पढ़ेंगे। तो वो किसके लिए है? सुगमता के लिए है। तो ऐसे ही ये व्यवस्था है। किसी खेत की कटाई करनी है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खेत है, तो फिर हम उसके बीच बीच में पार्टीशन कर लेते हैं कि यहाँ इस बाउंड्री तक का खेत आज काटेंगे, इससे आगे वाला कल काटेंगे, ऐसे होता है। तो ऐसे ही यहाँ, क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है तो उसको कैसे जानी, तो फिर उसके पाद बना लिए हमने कि ये जो दिखाई दे रहा है सब कुछ, ये उसका एक पाद है। पादवत व्यपदेशो ज्ञान विभागार्थ तत्र ब्रह्मणो ज्ञानस्य चतुर्थम रूपम तस्य तुरीय पादः। कह रहे हैं ब्रह्मा के इस ज्ञान का जो चतुर्थ रूप है वो क्या है? तस्य तुरीय पादः, वो उसका चौथा पाद है। एक में सारे लोक लोकांतर, सारे भूत सब कुछ आ गए, बाकी के तीन जो हैं वो द्युलोक में हैं, अमर हैं वो, और उनमें भी जो तीन में भी जो पहले वाले को मिलाकर के जो चौथा है वो उसका सबसे ऊपर वाला भाग है, तुरीय। अवस्थाओं में भी बोलते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था का मतलब चौथी अवस्था, ऐसे नहीं, सबसे ऊपरी, सर्वोपरि अवस्था, सर्वोत्कृष्ट अवस्था, उससे ऊपर और कुछ नहीं है, उसको तुरीय कहेंगे। अथ च ब्रह्म ज्ञानस्य प्रथमम रूपम तत्तु समस्तम भुवनम। जो इसका ब्रह्म के ज्ञान का जो पहला रूप है वो क्या है? समस्तम भुवनम, सारे भुवन। भुवन कितने हैं? 14। तो 14 भुवन किस में आ जाएंगे? प्रथम रूप में आ जाएंगे, ये पहला प्रथम पाद है। तद अग्रे पाद त्रयम ब्रह्मणः, और उस 14 भुवन से आगे उस ब्रह्म के तीन पाद हैं। तद अग्रे पादत्रयम् ब्रह्मणो ज्ञानस्य रूपत्रयम् अतिन्द्रियम्। तो उस ब्रह्म के ज्ञान के, मतलब इतना ज्ञान तो इस एक पाद में देख लो उस ब्रह्म का, कि कैसे कैसे इन लोक लोकांतरों को रचा होगा उसने, कितना टाइम लगा होगा, कितना दिमाग लड़ाया होगा, कैसी कैसी आकृतियां बनाई होंगी, कैसे इतना बड़ा सिस्टम बनाया होगा। तो है ना दिमाग चकराने की बात, कि ये सारे पहले बनाना, सूरज चांद और जो जितने भी नक्षत्र हैं उन सब का पहले निर्माण करना, और फिर ये चलेंगे कैसे लंबे काल तक, इनका सिस्टम क्या रहेगा, एक दूसरे से लिंक कैसे रहेगा, उस व्यवस्था को बनाना, और फिर इन पे रहने वाली जो चेतन प्राणी हैं उनके कैसे कैसे कर्म होंगे, उनके कर्मों का कैसे फल दिया जाएगा, उसका एक सिस्टम बनाना। तो ये सृष्टि रचना ऐसा विषय है कि इसको सोच सोच करके भी दिमाग चकराता है। और वो जो कर्म करेंगे उनके लिए शरीर कैसा बनाना, आहार कैसा बनाना, जो खाएंगे उसका पूरा एक प्रोसेस, कैसे सप्त धातुएं बनेंगी, कौन कौन सी अंदर मशीन लगानी पड़ेंगी, उन मशीनों में इंटरकनेक्शन कैसे होगा, माइंड का कनेक्शन कैसे होगा प्रत्येक सेल के साथ, अंग प्रत्यंग के साथ। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्म को कितना पुरुषार्थ करना हुआ पड़ा होगा, बिना तप के तो हो नहीं सकता ना ये। वो क्या है? नहीं नहीं वो संध्या में जो मंत्र बोलते हैं आप, जब ये लोक लोकांतर बनाए, ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसोध्यजायत, तपस अधि अजायत, तप के बाद उत्पन्न हुए ये, उसको भी तप करना पड़ा इतना सब बनाने के लिए। तो
जैसे हम कोई अपना घर मकान बनाते हैं तो कितना तप करना पड़ता है, पहले रुपए पैसे जोड़ो और फिर जोड़े हुए पैसे से भी ऐसे थोड़ी होता है कि लो ये पैसे लो और ये हमारा मकान आ गया, आलू टमाटर की तरह खरीद लिया बना बनाया मकान, ऐसा तो होता नहीं है। या होता है तो भी जिसने भी बनाया होगा वो बनाते समय भी कितना पुरुषार्थ होता है ना, उस सृजन में कितना तप कितने लोगों को करना पड़ता है। तो हम तो चलो बना बनाया फ्लैट ले सकते हैं, तो परमात्मा ने बनी बनाई ये सृष्टि किसी से खरीद ली हो ऐसा तो है नहीं, तो उसने तो स्वयं बनाई है अपनी, तो उसको भी तप करना पड़ा। ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोध्य जायत ततो रात्रि अजायत। रात्रि अजायत माने फिर रात दिन बनाई, इसको चलाया फिर सिस्टम को, चला करके देखा मशीनरी पूरी, अभी मनुष्य पैदा नहीं किए, पहले खुद ट्रायल किया। ततो रात्रि अजायत ततः समुद्र अर्णव, फिर समुद्र जल बनाई अनंत, अर्णव आकाश वाला समुद्र बनाया। और ये सारे लोक लोकांतर सब बनाने के बाद फिर अगला मंत्र क्या है, सूर्य चंद्र बनाई, सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम। पृथ्वी बनाई, ये सारा अंतरिक्ष, इस अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह उपग्रह जितने भी हैं वो सब बनाई, अथ स्वह, और फिर स्वर्ग लोक बनाया, जो अपन ने पढ़े थे योग दर्शन में तीन लोक, पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक स्वलोक। स्वलोक में फिर कितने लोक हैं, पांच, वहां भी तो पांच है ना, महेंद्र ब्रह्मा जन तपह सत्य, ये पांच लोक हैं, उनको बनाया। तो अब ये ढांचा पूरा तैयार हो गया सृष्टि का, ये सारा बनाया, फिर उसके बाद फिर मनुष्य को बनाया। मनुष्य भी फिर बाद में बना, ये तो साइंस भी मानती है ना कि एक केवल सिंगल सेल वाला जो प्राणी है वो कितने वर्षों तक बना रहा। पहले तो सिंगल सेल वाला प्राणी भी ये सृष्टि बनाने के बाद 75,000 करोड़ वर्ष के बाद आया। उस दिन अपने आदरणीय एनपी सिंह जी बता रहे थे ना, तब 75,000 करोड़ वर्ष के बाद तो एक सिंगल सेल वाला प्राणी आया, और वो सिंगल सेल वाले प्राणी भी फिर कई 100 वर्षों तक आते रहे। तो उसमें 300 वर्ष हैं या 600 वर्ष हैं ऐसे कुछ बताया था उन्होंने, वो आते रहे। और फिर उन्होंने सोचा एको हम बहुश्याम, ये सिंगल वाले में नहीं आनंद आ रहा है, फिर कहीं जा करके 275, हाँ 275 करोड़ वर्ष तक आते रहे सिंगल सेल वाले, और उसके बाद फिर ये एको हम बहुश्याम वाली सृष्टि हुई। और फिर इस सारी सृष्टि में एक मैं भी आ गया, अब मैं इस सृष्टि का एक पार्ट हूँ। उसके बाद फिर साधक प्रार्थना करता है प्राची दिग अग्नि अधिपति, भाई इस सृष्टि में अब जो जो सृष्टि ये चारों तरफ की जो शक्तियां हैं वो मेरी रक्षा करें। तो वो जो बता रहे थे ना कि लंबी संध्या के कारण वो दीर्घ जीवी हुए, तो लंबी संध्या का मतलब ये ही है कि एक एक शब्द में ऐसे खो जाए व्यक्ति। तो कभी जैसे छुट्टी होती है या रविवार होता है तो मुझे लगता है उस दिन सब लोगों को ना लंबी संध्या करनी चाहिए अपने अपने ढंग से, एक जो सामान्य जो दिनचर्या है उसको करने के बाद ना, और फिर तो सब स्वतंत्र होते ही हैं, तो अपने कक्ष आदि में बैठ करके या कहीं भी बैठ करके, तो ऐसे उससे फिर कुछ निकलता है तब। तो आइए, ये कह रहे हैं कि ये जो एक पाद है ब्रह्म का उसमें तो ये सारे भुवन हैं, प्रथमम रूपम तत्तु समस्तम भुवनम तदग्रे पादत्रयम, और इस एक से इस एक पाद के आगे जो तीन पाद हैं उसके, ब्रह्मणो ज्ञानस्य रूपत्रयम अतिंद्रियम, उसको हम देख नहीं सकते इन इंद्रियों से, वो अतिंद्रिय हैं। विचार योग्यम मननीयम एव, बस उसका तो हम केवल विचार कर सकते हैं, शास्त्र ने बताया ना, तब उसका हम विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं कि भाई इससे भी आगे तीन पाद हैं तो कितना विराट होगा वो परमात्मा। यथा ही कस्यचित अध्यायस्य ग्रंथस्य वा पादाः कल्प्यन्ते,
जैसे किसी अध्याय के, जैसे हम यही पढ़ रहे हैं वेदांत दर्शन ही, तो इसमें एक अध्याय के चार पाद की कल्पना की है ना, तो ये चार पाद उस अध्याय से अलग हैं कि उसी के अंदर ही हैं? उसी में ही हैं। तो ये चार पाद क्यों किए फिर? एक अध्याय बना देते सीधा, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, बीच में पाद लगाने की क्या जरूरत थी? तो विषय को समझाने के लिए कि भाई इस पाद में हम ईश्वर की उपासना का वर्णन करेंगे, इसमें हम शरीर की तीन चार अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, इसमें हम प्रकृति पुरुष का वर्णन करेंगे, तो ऐसे सुगमता के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं यथा ही कस्यचित अध्यायस्य ग्रंथस्य वा, जैसे योग दर्शन ग्रंथ है तो उसके चार पाद कल्पित कर दिए, नहीं तो पूरा ही एक ही ग्रंथ है। तो किसी ग्रंथ के या किसी अध्याय के जैसे हम पाद की कल्पना कर लेते हैं, नहीं पादेभ्यो भिन्नो अध्यायो ग्रंथो वा, ग्रंथ या वो अध्याय पाद से भिन्न तो नहीं होता है। तस्य खलु सुलभ ज्ञानाय एव पादाः कल्प्यन्ते, बस उस ग्रंथ का या उस अध्याय का सुलभ ज्ञान के लिए, कि व्यक्ति को अलग से याद रह जाए कि भाई पहले अध्याय में ये है, दूसरे में ये, तीसरे में, चौथे में ये, या पहले पाद में ऐसे है। तो जैसे योग दर्शन का हमें पता है कि पहले में समाधि पाद है, दूसरे में साधन पाद है, तीसरे में विभूति पाद है, कैवल्य पाद है, ऐसे। तस्य खलु सुलभ ज्ञानाय एव पादाः कल्प्यन्ते, तद्वत् ब्रह्मणोपि पादाः कल्प्यन्ते तस्य सुलभ ज्ञानाय। तो ऐसे ही ब्रह्म के जो चार पाद हैं उनकी जो कल्पना की गई है, तो वो भी किस लिए है? उसको सुगमता से थोड़ा हम जान सकें, इसलिए कल्पना की गई है। तो इससे ये पता नहीं चलता है कि भी उसके भी परे कुछ होगा, तो ये आपका मानना निरर्थक है। फिर तीसरा, इन्होंने कहा था कि संबंध का व्यपदेश होने से लगता है उससे भी परे कुछ है। संबंध व्यपदेशस्य समाधानम, जो संबंध का व्यपदेश किया है, कथन किया है शास्त्र में, उसका समाधान दे रहे हैं। स्थान विशेषात प्रकाशादिवत, स्थान विशेषात माने स्थान विशेष अर्थात अवस्था विशेष, स्थान का मतलब है यहाँ पर अवस्था, अवस्था विशेष से परमात्मा में स्थिति विशेष बन जाती है। स्थान विशेष से या अवस्था विशेष से, मानो हम बाहर इंद्रियों के स्थान में, बाह्य स्थान में रहते हैं तो हमारी धारणा ध्यान समाधि नहीं लगती है, और हृदय स्थान में जब हमारी स्थिति बन जाती है तो परमात्मा से संपर्क हो जाता है। तो कह रहे हैं स्थान विशेषात प्रकाशादिवत, प्रकाशादिवत माने प्रकाश आदि के समान, प्रकाश का मतलब है ज्ञान, जैसे ज्ञान प्राप्त कर लेने पर फिर अज्ञान में नहीं जाते हैं ना हम, प्रकाश प्राप्त कर लेने पर पुनः अंधकार में नहीं आते हैं। तो ऐसे ही वहां पर बताया है कि एक बार भगवत प्राप्ति हो गई, एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर वापस नहीं आते हैं। तो इस दृष्टि से वहां पर स्थान विशेष के कारण संबंध बताया है कि भाई उस अवस्था से यदि संबंध हो गया तो आपका मोक्ष हो जाएगा। यद्यपि परमात्मा, ये आ की मात्रा लगा लो यहाँ, परम में ना परमत्वा, परमात्मा हो रखा है। यद्यपि परमात्मा अनंतः तथापि तस्य प्राप्ति संबंध संयोगो वा भवति ही स्थान विशेषात्। यद्यपि परमात्मा तो अनंत है, तो पूरे के साथ तो संबंध होना संभव नहीं है, तथापि फिर भी तस्य प्राप्ति संबंध, उसकी प्राप्ति का संबंध अर्थात उससे संयोग, प्राप्ति संबंध अर्थात संयोगो वा भवति ही, फिर भी उससे संयोग तो होता ही है। कैसे? स्थान विशेषात, स्थान विशेषात कोई कहा, अवस्थान विशेषात, अवस्थान विशेषात मतलब स्थिति विशेष के कारण, एक अवस्था विशेष के कारण, एक स्थिति विशेष के कारण उससे संबंध होता ही है, भले ही वो अनंत है। कैसे होते, कौन सी अवस्था में होता है? अभ्यास वैराग्याभ्याम चित्त वृत्ति निरोध निरोधम विधाय भवति ही खलु परमात्मनि सर्वदृष्टि योगिनो अवस्थानम्। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में जो सर्वदृष्टा है, सर्वदृष्टि योगिना अवस्थानम्, तो संयोग हो ही जाते हैं ना योगी का।
तो इसके लिए योग दर्शन में कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसी के लिए कहा कि वो अपने रूप में अवस्थित हो जाता है। यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्ता रमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्योपैति। यदा पश्य रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पश्यते, पश्य का मतलब है यहाँ दृष्टा, जब ये दृष्टा पुरुष अर्थात योगी उस रुक्म वर्ण वाले सुनहरी वर्ण वाले कर्तारम उस सृष्टि के कर्ता को, ईशम जो इसका ईश है, पुरुषम जो चेतन है, ब्रह्म योनिम जो विराट कारण है, उसको जब ये देख लेता है तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, तब वो पुण्य पाप को विधूय, जैसे धूल को झाड़ देते हैं ना ऐसे, ऐसे पुण्य पाप को झाड़ करके, जैसे कपड़े को ऐसे फटकारते हैं झाड़ते हैं तो उसकी सारी धूल भी चली जाती है, तो ऐसे उसको जानने के बाद इसके सारे राग द्वेष दोष शोक जो भी हैं उनको ये आत्मा क्या करता है, झाड़ देता है, झड़ जाते हैं वो सारे। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति, निरंजन होकर के उस परम साम्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो वाक्य हैं ये क्या दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई संयोग नहीं कर रहे हैं परमात्मा के साथ जैसे दो मनुष्यों का होता है, बल्कि एक अवस्था विशेष के बारे में बता रहे हैं कि भाई परमात्मा तो, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि भाई परमात्मा के साथ संबंध होता है तो उसके आगे भी फिर कुछ और होना चाहिए, उससे भी संबंध हो जाएगा। जैसे एक स्थान को छोड़ के एक नगर से संबंध हुआ तो अगले नगरों में जाने की भी तो संभावना है, तो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आगे भी संभावना है, आगे संभावना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ही परम है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। जब व्यक्ति का प्रकाश आदिवत कहा ना ज्ञान आदि के समान, सारे अज्ञान समाप्त हो गए, पूर्ण विवेक की प्राप्ति हो गई, अब उसके बाद तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वापस व्यक्ति अज्ञान में या अविवेक में तो आ नहीं सकता है, और विवेक की वो पराकाष्ठा है, तो और तो कुछ है ही नहीं जानने के लिए। तो ये थोड़ा बड़ा सूत्र है, तो इसको फिर आज समय हो गया, दोबारा पढ़ेंगे इसको संबंध विशेष वाले को। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।